अरे ना यार, दूसरी बॉडी ले वाला ना है। हाँ इस साइड आ। हाँ। ये नहीं है, 3 महीना बाद आएंगे फिर पहले से। और पीछे इसको। नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के जिला पंचायत में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पनोठा गांव के कम से कम 400 से 500 आदमी यहाँ पर मौजूद है, और जिनका आरोप है कि इनके गांव में ना ही पानी की सुविधा है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी तक किसी के पैसे आए हैं। ये लोग अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सर को आवेदन देने आए हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने आए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये लोग कब से यहाँ पर इस तरह से इंतजार कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई भी अधिकारी इनसे मिलने आया या फिर नहीं आया, आइए हम इनसे बात करके जानते हैं। क्या नाम है आपका? संतराम श्रीमान। सिवन हम लोग मतलब कई दो 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। हम लोग का ना राशन मतलब मिल रहा है, ना कोई न कुटी। जितने भी हम लोग अहरवा समाज के गांव में कम से कम 300 घर से ऊपर हैं, लेकिन जिसमें शायद कुटी एक ही दो आई है। इसके अलावा हम लोग को सबको कहते हैं तुम्हारे पास तो क्या करना है, तुम तो अपना मजदूरी करते हो, कमाते हो, खाते हो, तुमने क्या ज़रूरत है किसी का, ऐसे उल्लंघन करते हैं। हम लोग जाते हैं राशन, हमारा परमिट जो मिलता है जमा कर लेते हैं, तर के ऊपर रखते रहेंगे अहरवा समाज के नीचे कर देंगे। जो समाज बड़े बड़े हैं उन लोग के सबके परमिट बांट देते हैं, फिर शाम को बोल देंगे अरे जाओ यार परमिट तो खत्म हो गया, गेहूँ है ही नहीं, अब अगले हफ्ते में लेना, फिर लेना, घुमाते रहते हैं। इसके बाद में फिर अभी एक बार में कभी 3 महीना होने जा रहे हैं, ये रोज़ कहते हैं आज नहीं बटेगा, कल नहीं बटेगा, परसों बटेगा, अब बट खत्म हो गया है। ऐसे हम लोग भाग भाग के परेशान हो रहे हैं, काम धाम भी नहीं लग रहा, मजदूरी करते हैं फिर भी वो इन लोग के साथ हैं, भाग भाग के तहसील जाते हैं, छतरपुर जाते हैं, कहीं इधर जाते हैं, कहीं वहाँ जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। आज हम यहीं आए जनपद में। क्या कहा आज यहाँ पे जब अभी कोई सुनाई नहीं हुई साहब। कब से आप इस तरह से खड़े हैं? हम लोग यहाँ करीब खड़े हुए हैं वही 12:45 के टाइम से, जब से कोई सुनवाई नहीं हुई जी। क्या लगता है किस तरह की लापरवाही है? अब साहब सरकार की लापरवाही है, कोई सुनते नहीं हम लोग का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग जमा करके जिला पंचायत के केस पर खड़े हैं, लेकिन इन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग कह रहे हैं जिला अधिकारी इन लोगों के पास आप लोग थोड़ो रास्ता तो छोड़ो, रास्ता छोड़ो, चलो एक तरफ हो जाओ भाई। नाम पानी नहीं लगा, 5 बोरिंग हो रखे हैं। नाम आप सुन लिए मैंने, बार बार नहीं सुना। सर हम बेघर हो गए ना, सर हम लोग बेघर हो गए। अगर आप बार बार सुना, आपने आवेदन दे दिया ना, आवेदन के लिए लिया, बेघर कर दिया। क्या कहा मैंने? मैंने आपको क्या कहा? बार बार उससे क्या होगा? मैंने क्या जवाब दिया आपको? क्या जवाब दिया? हम कहा श्रीमान जी उस पर हमारा न्याय करा दीजिए। बस रहते हैं कहा ना, आपने आवेदन दिया, एस डी एम ने आदेश कर दिया। हाँ जी, डॉक्यूमेंट को एस डी एम ने आदेश बना दिया। हाँ जी का, हाँ जी आदेश कर दिया। नाम है आपका? रघुनाथ प्रसाद रावत।
आप अगर जज बन जाओ तो ऐसे एक पक्ष को सुन के फैसला करोगे या दोनों पक्ष? मैं तो हमारा साहब बहू के साथ पूछ रहा हूँ, एक पक्ष सुन के फैसला करो या दोनों पक्ष? हम तो साथ, अगर आप जज बन जाओ तो आप दूसरा पक्ष तो है ना? बेघर होगा साहब, बेघर भाई कह रहा हूँ, आप एक पक्ष करो, दूसरा पक्ष तो है नहीं। मनोज धन आने ने जांच कर दी थी, धन आने जांच कर दी थी, मैंने नहीं किया। बेघर हुआ एक साल से फिर ना सामने घर, हमारे घर को कब जगह के लिए बार बार समझा चुका हूँ, इनके माने से या नजर आवास योजना में हमारे अभी तुम परेशान पैसा देना नहीं है, सबको कुटीर मिलेगी, परंतु किसी को पैसा मत दे दे, वरना किसी के बहकावे में आना। पैसे तो लेते कल तुम्हारा नाम है फिर भाई बेवकूफी की बात करो, मैंने कहा ना 6 महीने से पहले तुम्हारे नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारे सूची में नाम नहीं होंगे, आवास प्लस में तुम्हारे नाम है, कल 6 महीने बाद आएगा, तक नहीं तो कोई कहेगी चलो हम दिला रहे कुछ पैसे दे दो दे दो, ऐसा नहीं होगा। चलो रास्ता आप देख सकते हैं, जिला कलेक्टर सीलन सिंह ने इन लोगों का आवेदन तो ले लिया है और आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों का निराकरण जरूर होगा। उठो खांदो ना खान आया था, भाव याद होता ही होता ही खांदो होता ही भाव याद हरिजन में है, वो आदमी है, हम हरिजन हैं, आशीर्वाद आप हमारे माई बाप हमारे बिटिया कहा 2-3 महीने बाद तो 2-3 महीने लग जाएंगे। भाई जिले में किसी गांव की तरफ वाली ठीक है सर, आपने बताओ ना कहीं छुट्टी हो तो आई करते तुम तो लेके आए सब जने यार, बताओ सर आई नहीं आए किसी के, क्या मिल गया आपको? आप लोग आए हैं, आप क्या मिल गया? सर कुछ नहीं मिल गया, लेकिन आप सुना आप संतुष्टि चाहे 4-5 महीने बाद वैसे ही आना है तो वैसे इसीलिए पता ही चलता सर मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे अभी तक, जैसे बहुत है तुम अकेले नहीं हो, सब भी आना है, सब्र करो सब्र सब्र करो वो तो बहुत छोटी है, क्या बताएं? माँ मर चुकी है, माँ का इनका मृत्यु पहचान पत्र बना हुआ है, इनका पिता है जो पागल हो गए पता नहीं कहाँ, 2 साल से पता नहीं चला, शिकस्ती को बताया, सरपंच को बताया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तुम्हारी नातने है ना? नातन है, ये नहीं होती तो कहाँ से पालते, नाम लिख जाते तो ये भी नहीं होती, तो स्कूल तो कम कम जाती, उनका नाम पता क्या चाह रहे बताओ, हमें चाह रहे कि इनका स्कूल में नाम लिख जाए, इनकी माँ का मृत्यु पहचान पत्र बन जाए, तो इनका आगे लाडली लक्ष्मी का नाम उजना करवा के कुछ भी नहीं होगा, सामने उन्हें नाम मिल जाती है। सुना चुके
सर्टिफिकेट तुम्हारा नहीं बन सकता क्योंकि डॉक्टर ही बनाएगा, मैं थोड़ी डॉक्टर नहीं, वो तो तो जो वो लिखेंगे वही लिखेंगे, जो काम डॉक्टर का है मैं नहीं कर सकता, तो डॉक्टर ही करेगा ना, उसमें गलत क्या है। महिला वाले का तो गुप्ता जी वकील बता दिया था सब पैसे नहीं, तो वकील के पास कैसे नहीं, वकील ये सेक्रेटरी नहीं है पर था। तो सेक्रेटरी नहीं थे तो जिला पंचायत पहले नहीं, वहाँ जिला पंचायत में मैं पैसा ही नहीं था, लोग आए तो उन्हीं के साथ चलाया है कि चलो अपनी भी सुना, पैसा लगता है वैसे तो लगते, अब 50 रुपये कहीं से ले रहे, 50 रुपये किराया लगा यहाँ तक ले आया। पहली बार गरीब होना मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर सर जानता है। हाँ जी हाँ, ऐसा थोड़ी कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोलो तो ऊपर वाला नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहेगा, क्यों नहीं सुनेगा, तो मैं लग रहा है कलेक्टर कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोलो तो नहीं, बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा जी, जो मेरे हकीकत है ईश्वर देख रहा है। हाँ जी, अब आप सर्वे करवा लीजिए, मेरा कुआ है, कपल धारा का कुआ खुदा हुआ है, काफी इकट्ठी कर ली, बात कर रहे बच्चियों की सब, एक चीज को मैं एक चीज कई बात पड़ी आज बाती का कोई काम नहीं, सिर्फ एक बात क्या? कोई सुन जज सुनवाई कोई नहीं, क्या चीज ये चीज की जी, किसका गेहूं मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, गेहूं खाए की पर्ची इकट्ठी कटाई जी, मेरी झगड़ा कर लिया वो नहीं मिला, और मिला बाद में जब सब उठ गया ये बटोले, कम से कम 2-4-10 रोज के खाने को तो हो जाएगा, तो मौजूद थे जी, उनसे पूछ लीजिए गांव वाले हैं वो, हमारी पर्ची कहाँ है, है जी पर्ची, पर्ची भी ला ली उन्हें, कौन है जो बांटती है, कौन सेल्समैन, सेल्समैन जो कल्ला देते हैं, कौन नाम क्या है, नाम तो अब हम नए आए, हमारे गाँव का ही तो, गाँव का तो है, अब देखो अगर तुम लोग बीच में बोलोगे तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सच नहीं बोल रहा, सर्वे कर लिया, किसी को बताना पड़ रहा है तो समझ में आ रहा है ना कि वो जिनको पर्ची दी थी वो मेरे साथ आते आए थे, होते अगर सच होते ना तो तुम्हें याद होता था, सर्वे करवा लीजिए, सर्वे बस सर्वे करा लीजिए, जांच करवा लीजिए, जब मैं जांच करा लीजिए भाई, जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो किसने अन्याय किया तो पता होता है, यहाँ क्या बता सको बांटने वाले कहीं किए होंगे, इनका देखो जरा कि बच्चों का नाम डाल देगा, आप देखो 5 लिखो नाम, चलो का नाम दादी कनौटे से आए, क्या समस्या लेके आई, ये यार हमारी कुटी उटी नहीं मिली ना, पानी पानी यहाँ हमारे गांव में साधन नहीं है, पैसा लग रहा है मूल पानी पी रहे हैं, क्या कहा उन्होंने अधिकारी जी, इतनी देर खड़े रहे बात करते रहे, क्या कहा उन्होंने, क्या हो रहा है 2 महीना में हो जाएगा, कितने लोग आए आप, पूरे 80 हुई हम तो 70-80, क्या नाम तुम्हारा, बेटू नाम आदिवासी बेटू, क्या हो गया, क्या समस्या, बहन जी क्या है कि परेशानी है कि पानी आनी कछु नहीं मिल रहा, मूल पानी पी रहे, जिसके है बोरिंग लगी से उनके पास से पानी पी रहा है, मूल 200 रुपया महीना दे रहे हैं, कुछ साधन नहीं है, कुठी आई है तो सरपंच के खुद लड़का ने समझ लो 4,000 रुपये लेके, और कुठी कह रहे थे हम तो कुठी दबा दें तो पैसा के पैसा ले लें, अब तक कुठी नहीं आई, वो पैसा ऊपर से ले लिया हमारे पास, और जो परेशानी से मैंने क्या कहा, उनने कही कि हो जाएगा महीना 2 महीना बाद में हो जाएगा तुम्हारा काम सुनाई, पानी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगा, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं।
पनौठा गांव के लोग यहां पर अपनी समस्या को लेकर आए थे और कलेक्टर सीलन सिंह ने इन लोगों का आवेदन भी लिया और इन लोगों को आश्वासन भी दिया कि वहां की जांच पड़ताल कराई जाएगी और उसके बाद जो भी होगा उसके आवास के पैसे 6 महीने बाद आएंगे। अगर वहां पर पानी की कमी है तो वहां भी जांच पड़ताल करके निराकरण किया जाएगा। देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी एक लड़की है कुमारी, लड़का नहीं है मेरे पास, वो बुढ़ा नहीं है और मेरा करो नहीं होते, 200 रुपये लगते पानी की और मेरे को खाने पीने को 8-8 गल्ला पानी नहीं मिलते, तो मालकान मेरे को कुछ समस्या करो जाए।